नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सात पौधे जो फूलों के बिना आपके बगीचे को रोशन करेंगे। बहुत से लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और उन्हें सीधी धूप नहीं मिलती है, क्योंकि फूलों के पौधों को फूल खिलने के लिए 6 से 7 घंटे की सीधी धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि फूलों के बिना उनका बगीचा फीका लगेगा। इसलिए चिंता का न करें, मेरे पास आपके लिए 7 पौधे हैं जिन्हें सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पर्याप्त है और वे आपके बगीचे को बहुत कलरफुल बना देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि वे कम रखरखाव वाले हैं और आपकी स्थानीय नर्सरी या ऑनलाइन में आसानी से उपलब्ध हैं। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो फिलोडेंड्रॉन है। आदर्श रूप से वे हरे रंग में आते हैं, लेकिन वे नारंगी, लाल, हल्का हरा, पीला आदि जैसे सुंदर रंगों के साथ आते हैं। वे कम रखरखाव वाले हैं और रंगीन पत्तियां आपके बगीचे का रूप बदल देंगी। नंबर 2 मेरा पसंदीदा है, वह है कैलेडियम। हालांकि अब यह ऑफ सीजन होगा, वे जल्द ही डोरमेंट हो जाएंगे। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मेरा कैलेडियम थोड़ा उदास दिखना शुरू हो गया है, लेकिन यह ठीक है, यह सामान्य है। वे मार्च में वापस उगाएंगे। इनमें बहुत सुंदर पत्ते हैं और आपके बगीचे को बहुत अच्छा रंग देता है, इसलिए मार्च से नवंबर तक आप इन्हें उगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर कोलियस है। कैलेडियम के विपरीत ये पूरे साल आपके बगीचे में रहेंगे, आपके बगीचे को सुंदर रंग देंगे। ये सबसे आसान पौधों में से एक हैं। देखभाल करने में आसान, प्रचार में आसान। इन्हें सीधे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से विकसित होंगे अप्रत्यक्ष उज्ज्वल प्रकाश में। कृपया उन्हें अपने बगीचे में लगाएं। पर्पल हार्ट है। वे आपके बगीचे को सुंदर बैंगनी रंग देते हैं। फिर से बहुत आसान पौधा। नंबर 5 पर डिफेनबाचिया है। वे अलग अलग रंग, अलग अलग पैटर्न और वेरिएगेशन में आते हैं। नंबर 6 है कॉर्डिलाइन। बहुत आसान, कम रखरखाव वाले और बहुत अलग रंग और भी कई किस्म में उपलब्ध हैं। नंबर 7 है एगेलोनिमा। इसमें अनगिनत किस्में होनी चाहिए और सभी में सुंदर रंग होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हैं। अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि आपके बगीचे में रंग गायब है। इसे रखें और आपका गार्डन बेहद खूबसूरत दिखेगा। उल्लिखित ये सभी पौधे कम रखरखाव वाले हैं। इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।